नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मेरे सपनों का भारत यह विषय निबंध के लिए लेकर आई हूँ। आइए हम देखते हैं इस टॉपिक को कैसे लिख सकते हैं विद्यार्थियों। और आज मेरा ये चैनल जो भी पहली बार देख रहे हैं उनसे सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। मेरे चैनल पर मुझे कमेंट्स भी बहुत कम आते हैं, वीडियोज़ पर व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि व्यूज़ दीजिए, कमेंट्स लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे आगे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। प्रेरणा मिले, अच्छे व्यूज़ आए, अच्छे सब्सक्राइबर्स बढ़े और खूब अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, तो किसी को भी काम करने के लिए और ज़्यादा इच्छा होती है ना। एक एक टॉपिक पे न करते हुए 10 टॉपिक पे फिर काम कर सकते हैं, लेकिन जब प्रेरणा ही नहीं मिलती तो फिर आगे काम करना मुश्किल हो जाता है। आइए हम देखते हैं कि कैसे लिख सकते हैं मेरे सपनों का भारत। जब मैं भारत के इतिहास को देखता हूँ मुझे गर्व होता है कि मैं भारतवासी हूँ। अब यहाँ पे लड़की हो तो देखती हूँ इस तरीके से लिखेंगे, है ना। तो जब मैं भारत के इतिहास को देखता हूँ मुझे गर्व होता है कि मैं भारतवासी हूँ। हमारा इतिहास, हमारी ऐतिहासिक इमारतें हमारे देश का गौरवगान करती हुई दिखाई देती है। बच्चों, हम हमारे इतिहास को या तो किताबों के माध्यम से समझते हैं या जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके माध्यम से हम उनको समझने का प्रयत्न करते हैं, तो वे सब हमें हमारे भारत का गौरवगान करती हुई दिखाई देती है, इतिहास का गौरवगान करती हुई दिखाई हमें देती है। तो भारत में अनेक धर्म, जाति, समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत दुनिया का एकमात्र देश है बच्चों जहाँ अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। हमारे देश की विविधता यही हमारी पहचान है, परंतु हमारे गांव आज भी पिछड़े हुए हैं। हमारे यहाँ विविधता में एकता तो देखने को मिलती है, अनेकता में एकता तो देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी हमारे देश के जो भी गांव कस्बे हैं वे आज भी पिछड़े हुए हैं बच्चों। देश में गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, लिंग भेद, जातिवाद और बेरोजगारी अपने पैर पसारे हुए हैं। हालांकि कई क्षेत्रों में भारत प्रगतिशील है, हम विकासशील देश के निवासी हैं। मेरे सपनों का भारत जल्दी ही विकसित देशों की सूची में शामिल होगा। हम यहाँ से अब जो बात लिखना चाहते हैं वह, मेरे सपनों के भारत में लोग पूर्ण तरह से शिक्षित होंगे, सभी को शिक्षा का अधिकार होगा एवं सरकार की तरफ से 15 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त एवं अनिवार्य होगी, क्योंकि मेरे मतानुसार शिक्षा ही विकास की गति को तेज कर सकती है। बच्चों, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि शिक्षा ही एकमात्र आधार है जो विकास का प्रथम चरण, हम इसको कह सकते हैं, है ना। अगर व्यक्ति, समाज, देश शिक्षित होगा तो ही वह देश तेजी से प्रगति कर सकता है, तेजी से विकास कर सकता है। अगर लोग ही अशिक्षित होंगे तो विकास कैसे होगा। तो शिक्षित परिवार, यानी कि शिक्षित समाज, और शिक्षित समाज यानी शिक्षित देश, बराबर मिलकर हुआ विकास या विकसित विकासशील देश। मेरे सपनों का भारत भ्रष्टाचार मुक्त होगा, क्योंकि यह भ्रष्टाचारियों के लिए यहाँ सख्त सजा के नियम होंगे। यहाँ लिखना है यह नहीं, यहाँ पे यहाँ लिखना है कि यहाँ भ्रष्टाचारियों के लिए सख्त सजा के नियम होंगे, उनको पनिशमेंट कठोर से कठोर दी जाएगी। मेरा भारत जाति, धर्म, ऊंच नीच के भेदभाव से परे विश्व में शांति, सद्भाव एवं भाईचारे का प्रचार एवं प्रसार करने वाला देश होगा। यानी कैसा देश होगा, शांति का प्रचार प्रसार करने वाला, भाईचारे का प्रचार प्रसार करने वाला, है ना। मेरे सपनों का भारत बेरोजगारी से मुक्त होगा। अभी हमारे यहाँ बहुत बेरोजगारी है, तो उससे मुक्त होगा, क्योंकि शिक्षित देश, जो शिक्षित देश होगा रोजगार स्वयं निर्माण करना जानता है। अगर शिक्षित है तो हमें रोजगार स्वयं ही निर्माण करते आ जाएंगे, है ना। किसी से नौकरी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद अपने जो है रोजगार निर्माण कर सकते हैं। वह किसी के भरोसे नहीं रहता, एक शिक्षित व्यक्ति कभी किसी के भरोसे नहीं रहता, वो अपना रोजगार स्वयं निर्माण करना जानता है। बच्चों, जहाँ रोजगार निर्माण करने वाली पीढ़ी होगी वहाँ भला गरीबी का क्या काम,
तो हमारे देश से गरीबी तो यूं छू हो जाएगी, मेरे देश से गरीबी कोसों दूर होगी, क्योंकि मेरा देश शिक्षित होगा, मेरा देश विश्व में नाम कमाएगा, जिसे सदियों तक विश्व याद रखेगा। ऐसे ऐसा भारत देश में देखना चाहता हूँ और उसके लिए आज की युवा पीढ़ी को आह्वान करता हूँ, उनको पुकारता हूँ, बुलाता हूँ, उनको बोलता हूँ कि आओ मिलकर साथ चले, साथ बढ़े तो देश बढ़े, है ना। आओ हम सब मिलकर साथ चलते हैं, साथ बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। हम सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। मेरे सपनों में अकेला मेरे सपने मैं अकेला पूरे नहीं कर सकता, उसमें मुझे मेरे देशवासियों के साथ की ज़रूरत है। हम सबको हाथ में हाथ मिलाकर चलने की, गीले शिकवों को दूर करने की, दूर रखने की, अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति को दूर रखने की और अपने भारत के लिए कुछ कर गुजरने की आवश्यकता है, तभी मेरे सपनों का भारत पूरा होगा, भारत एक विकसित देश कहलाएगा। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।